हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग विद इंजीनियर्स। टुडेज टॉपिक इज मेनली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैंपस इंटरव्यू और दोज हु जस्ट स्टार्टिंग देयर करियर। लेट स्टार्ट। टुडेज सब्जेक्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेशन सिस्टम। आप लोग जो भी नया स्टार्ट कर रहे हैं करियर, उनको ये पता नहीं हो सकता है कि एक ऑटोमेशन का जरूरत कहाँ पड़ता है और ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है। तो व्हाट इज ऑटोमेशन? द टेक्निक ऑफ मेकिंग एन एपरेटस ए प्रोसेस और ए सिस्टम ऑपरेट ऑटोमेटिकली। आपका कोई भी मशीन या सिस्टम को अगर आपको ऑटोमेटिकली चलाना है, उस टेक्निक को हम बोलते हैं ऑटोमेशन। कोई भी मोशन को अगर आप ऑटो में रन करवा रहे हैं तो वो हो जाता है ऑटोमेशन। जैसे कि आपको कोई भी एक मोटर को आप स्टार्ट करके छोड़ दिए, वो एक टैंक लेवल या किसी का फीडबैक लेके ऑटोमेटिकली चलते रहे, मतलब आपका जब भी लेवल लो हो जाए तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, या फिर लेवल हाई होता है तो उस मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, कोई ह्यूमन इंटरेक्शन उसमें नहीं रहता है, तो इसी को हम ऑटोमेशन बोलते हैं। तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोमेशन? टू रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट। आप कोई भी आदमी को उसमें बार बार इंटरप्शन करने का जरूरत नहीं कि हम स्विच दबा रहे हैं, स्विच बंद कर रहे हैं। तो इसमें ये जो आप लॉजिक लिख देंगे या फिर आप जो हार्डवेयर में वायरिंग कर देंगे उसी के उसको ऐसे वायरिंग करेंगे कि ऑटोमेटिकली वो चलते रहे। हाई प्रोडक्टिविटी विथ हाई क्वालिटी। तो अगर आपका कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं रहेगा इसमें तो, और प्रोडक्शन अगर स्मूथ चलाना है तो ये हाई प्रोडक्टिव भी होगा ये ऑटोमेटिकली अगर चलते रहे, क्योंकि एक आदमी का एक टाइम के बाद एफर्ट कम हो जाता है। पर अगर आप ऑटोमेशन बना रहे हैं तो आप उस प्रोसेस को कंटिन्यूअस चला सकते हैं बिना कोई इंटरवेंशन के। तो नेक्स्ट है आपका रिक्वायर लेस टाइम फॉर ऑपरेशन। अगर एक आदमी किसी सिस्टम को चला रहे, सोचिए आप बार बार जाके देख रहे हैं कि फुल हो गया, फिर आके बंद कर दे रहे हैं पंप, फिर से देख रहे हैं कि ये लेवल हाई हो गया या लो हो गया, तो फिर से पंप को आप ऑन कर रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो ये तो एक छोटा सिस्टम का एग्जांपल है। अगर आप बहुत बड़ा कोई मशीन को डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें तो आपको अगर बिना ऑटोमेशन के चलाएंगे तो ये बहुत टाइम टेकिंग होगा उस ऑपरेशन। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आप बैठा रहे हैं और वो मैनुअल है तो वो उसका प्रोडक्शन भी बहुत कम होगा और बहुत टाइम लेगा कोई प्रोडक्शन करने के लिए। नो मिस्टेक्स इन ऑपरेशन। तो एक मेन बात यह है कि मशीन कभी गलती नहीं कर सकता जब तक आप मशीन खराब ना हो जाए या फिर आपका डिजाइन में कुछ गड़बड़ी ना हो, लेकिन एक आदमी गलत कर सकता है। तो इसीलिए ये अभी जो इंडस्ट्री में ऑटोमेशन का बहुत ज्यादा डिमांड है। अभी आपको शायद ही कोई सिस्टम अभी मिलेगा जो कि विदाउट ऑटोमेशन चल रहा है, चाहे वो हार्डवेयर ऑटोमेशन हो, पीएलसी या कंट्रोलर नहीं है। वो कोई सस्ता मशीन होगा तो उसमें आपका पीएलसी या कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर नहीं भी हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेशन पे नहीं चल रहे। कोई भी सिस्टम अगर आपका आप खुद से स्टार्ट स्टॉप नहीं कर रहे हैं, प्रोसेस ऑटोमेटिकली चल रहा है, तो दैट इज ए ऑटोमेशन सिस्टम। बेसिक टूल्स ऑफ एन ऑटोमेशन डिजाइन। आपको टूल्स क्या क्या रहता है, मतलब आपका इनिशियल क्या क्या सिस्टम्स रहता है एक ऑटोमेशन डिजाइन करने के लिए। तो ये बहुत ही ईजी है। आप लोग जो बेसिक कंप्यूटर में पढ़े हैं, एक कंप्यूटर में क्या रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट, आपका जो माउस कीबोर्ड है वो इनपुट रहता है। फिर आपका रहता है लॉजिक प्रोसेसिंग यूनिट जो कि आपका प्रोसेसर करता है। तो यहाँ आपका प्रोसेसिंग यूनिट क्या होगा, अगर आप कोई पीएलसी यूज कर रहे हैं, अगर कोई माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, तो वो आपका लॉजिक प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। और उसके बाद आ जाता है आपका आउटपुट। तो आउटपुट में आप जानते हैं कंप्यूटर में जैसे आपका डिस्प्ले देता है, कोई टास्क को कंप्लीट करता है तो वो आउटपुट देता है डिस्प्ले में, तो ऐसे हम लोग का इंडस्ट्री में आउटपुट क्या होगा, कोई मोटर स्टार्ट हो गया, कोई मोटर स्टॉप हो गया, दैट इज आउटपुट, ठीक है। या फिर आपका एचएमआई में कोई टेम्परेचर शो कराना है। एचएमआई मींस आप ह्यूमन मशीन इंटरफेस। आपका कोई भी आप अगर इंडस्ट्री का वीडियोस देखेंगे तो उसका बड़ा बड़ा कंप्यूटर्स रहेगा जिसमें आपका किसी का टेम्परेचर प्रेशर शो करता है, तो ये हो जाता है आपका आउटपुट सिस्टम। तो इनपुट में क्या क्या यूज होता है, टूल्स, दैट इज ए पुश बटन जिसपे आप स्टार्ट स्टॉप करते हैं। पुश बटन अगर आप कोई बहुत ही फ्रेशर है, पुश बटन के मतलब नहीं पता है, तो आप बेसिकली एक घर का स्विच को बोल सकते हैं। स्विच इज लाइक ए पुश बटन, लेकिन उसमें क्या होता है, आप एक बार प्रेस कर देते हो
तो वो ऑन ही रह जाता है नॉर्मल स्विचेस में। पर पुश बटन्स बहुत तरीके का मिलता है, कोई स्टार्ट करने से छोड़ देंगे तो वो एक बार स्टार्ट होके बंद हो जाएगा, कोई आपका रहेगा कि कंटिन्यू स्टार्ट रहेगा, कोई रहता है कि आपका पुश बटन को प्रेस करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। तो स्टार्ट और स्टॉप का फंडा क्या है, आप किसी सर्किट को ब्रेक और मेक कर रहे हो, तो पुश बटन का मेनली आप काम यही समझ लीजिए कि वो सर्किट को मेकिंग और ब्रेकिंग करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेंसर्स। कोई भी सिस्टम डिजाइन करने के लिए कुछ सेंसर्स रहना चाहिए। सोचिए मुझे एक रूम का टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, आपके घर पे एसी है, तो उसके लिए मुझे इनपुट सिस्टम क्या है, दैट इज अ टेम्परेचर सेंसर। उसमें थर्मोस्टेट रह सकता है या आरटीडी रह सकता है, ये कुछ भी एक सेंसर्स रहेगा जिस जो आपका एसी को स्टार्ट और स्टॉप करेगा। अगर सोचिए आपको कंटिन्यूअस घर में आप रिमोट में सेट किए हैं कि 24 डिग्री सेल्सियस हमको मेंटेन करना है, तो उसके पास सेंसर्स क्या है, टेम्परेचर सेंसिंग। जब भी देखेगा वो 24 आ गया तो वो एसी को बंद कर देगा, या 24 से आगे चला गया तो फिर एसी को स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे एक सेंसर यूनिट हो गया आरटीडी। और एनी काइंड ऑफ फीडबैक, वो मे बी एनालॉग हो सकता है या डिजिटल हो सकता है। अगर आप टेम्परेचर या प्रेशर फ्लो ले रहे हैं तो दैट इज एनालॉग। डिजिटल इनपुट्स में क्या हो गया, अगर आप कोई स्टार्ट पुश बटन प्रेस किए हैं या कोई इमरजेंसी प्रेस किए कि बंद होना है सिस्टम को पूरा, तो दैट इज ए इनपुट। हो सकता है मैं आपको अच्छी तरह से समझ पाया हूँ, समझा पाया हूँ। तो नेक्स्ट आ जाते हैं लॉजिक प्रोसेसिंग के लिए हम लोग का ऑटोमेशन में क्या टूल्स यूज होता है। तो ऑटोमेशन में हार्डवेयर एक कॉन्टैक्टर लॉजिक अगर आप बना रहे, सोचिए रिले लॉजिक है आपके पास, छोटा सिस्टम है, आपको कम इन्वेस्टमेंट में कोई ऑटोमेशन को डिजाइन करना है, तो आपके लिए पीएलसी या माइक्रो कंट्रोलर बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। हो सकता है आपका जो सिस्टम है, अगर घर का एक पंप स्टार्ट स्टॉप करना है, तो उसके लिए आप ऑब्वियसली पीएलसी या माइक्रो कंट्रोलर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। लेकिन हम अब आज जो आप लोग को दिखाएंगे उसमें हम पीएलसी से और हार्डवेयर से दोनों को ही दिखाएंगे, क्योंकि मेरा फोकस ये नहीं है कि आपका घर का पंप चलाना हो, मेरा फोकस ये है कि आप कोई भी एक इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो उसका सिस्टम को आप समझेंगे कैसे, ठीक है। तो हम कॉन्सेप्ट तो वही यूज करेंगे पर बेस लेंगे इंडस्ट्री से, ओके। तो यहाँ पे आपका लॉजिक प्रोसेसिंग यूनिट में आ जाते हैं। लॉजिक प्रोसेसिंग यूनिट में आपका कॉन्टैक्टर और रिले लॉजिक आ जाता है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे कि कैसे हार्डवेयर और कॉन्टैक्टर लॉजिक काम कर रहा है। आप नेक्स्ट हो सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर। आप माइक्रो प्रोसेसर में आप अपना कंप्यूटर देख सकते हैं, माइक्रो कंट्रोलर का बहुत सारा गेम है, गेम खेलने के लिए जो वीडियो कंट्रोल जो आता है आप टीवी में लगा के गेम खेलते हैं, दैट इज ए माइक्रो कंट्रोलर। तो उसमें भी लॉजिक प्रोसेसिंग होता है, आप जो कोई गेम खेल रहे हैं तो उसमें आपका माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। और अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दैट इज ए पीएलसी सिस्टम। आपका जो भी रोबोटिक्स या बड़ा इंडस्ट्रीज जो डिजाइन हो रहा है वो आपका पीएलसी बेस पे हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा लॉजिक प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट आ जाते हैं आउटपुट। अब जो भी इनपुट्स आया उसको प्रोसेस किया, उसको तो आउटपुट देना पड़ेगा। सोचिए आपका कोई पुश बटन दबाए, आपको एक मोटर स्टार्ट होना है, तो पुश बटन प्रेस किए, आपका कॉन्टैक्टर लॉजिक या पीएलसी उसको प्रोसेस किया कि ये पुश बटन स्टार्ट अगर करते हैं तो ये वाला पंप आपका ऑन होना चाहिए। आपका घर में तो शायद एक ही पंप हो, लेकिन जब इंडस्ट्री में आएंगे तब हजारों पंप्स रहेंगे, तो कौन सा पुश बटन के लिए कौन सा पंप ऑन होना है वो प्रोसेस कौन करेगा, आपका पीएलसी और हार्डवेयर लॉजिक, ठीक है। फिर आउटपुट किसको देगा, अगर आपको मोटर स्टार्ट करना है तो एक कॉन्टेक्टर को आउटपुट देगा। एक कॉन्टेक्टर क्या होता है हम नेक्स्ट में बताएंगे आपको, कॉन्टेक्टर कैसे काम करता है। कोई भी जो आउटपुट कमांड है, कोई भी आपका एचएमआई में जो डिस्प्ले दे रहे हैं, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को आप आउटपुट दे रहे हैं, एचएमआई में शो करवा रहे हैं, तो वो हो जाता है आपका आउटपुट, ओके। तो नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। देर इज ए टैंक, वी हैव टू स्टार्ट द मोटर व्हेन द टैंकर लेवल इज लो। तो लो को हम एल एल से डिफाइन किए हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं सेंसर्स दो यूज किया हूं, एक हाई हाई के लिए एक लो लो के लिए। और ये आपका सोच लीजिए घर का टैंकर है, और ये आपका एक पंप है, और एक स्टार्ट बटन है, एक स्टॉप बटन है, ठीक है। एंड हैव टू स्टार्ट एंड स्टॉप व्हेन द लेवल इज लो एंड व्हेन द लेवल इज हाई, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए होंगे कि आपका पंप को जब भी लो लेवल होगा तब मोटर को स्टार्ट करना है कि उसमें पानी भरे, और जब भी आपका टैंक लेवल हाई हो जाएगा तब उस पंप को बंद कर देना है, नहीं तो आपका ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है आपका एक बेसिक डिजाइन है, बहुत ही बेसिक है, मतलब एक कोई भी बिगिनर्स जो है इनको आराम से समझ सकता है, ठीक है। तो आप अगर सोचिए कोई लॉजिक नहीं बना रहे, आपके पास कुछ भी नहीं है, तब क्या करेंगे, ऑब्वियसली घर में एक एमसीबी रहता है या फिर
एक डॉल स्टार्टर रहेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं तो पंप स्टार्ट होता है, फिर आप देखते हैं कि ओवरफ्लो होने से आपका आउट पाइप से पानी अगर बाहर आ रहा है तो आप स्टॉप कर देते हो। तो दैट इज ए मैनुअल सिस्टम, इसमें कोई ऑटोमेशन नहीं है। पर अगर हम इसको ऑटोमेटिक बनाएं तो हमको क्या क्या चाहिए, पहले इक्विपमेंट हमको लिस्टिंग करना है कि ये मुझे सामान चाहिए, तब तो हम इस डिजाइन को बनाएंगे। तो आप यहाँ पे मैं कुछ इक्विपमेंट का लिस्ट दिया हूँ, आप चाहे तो ये जो रेटिंग्स पे मत जाइए, क्योंकि ये रेटिंग्स आपके हिसाब से होगा, आप जैसे डिजाइन करना चाहते हो, और ये इससे बहुत कम में भी हो जाएगा। पर मैं एक इंडस्ट्रियल बेस पे डिजाइन किया हूँ, तो मैं एक बेसिक थिंग्स को ले चुका हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वन स्टार्ट बटन, ठीक है, और ये आपका रेटिंग लिखा हुआ है 110 वोल्ट एसी, क्योंकि हम कंट्रोल सर्किट के लिए लो वोल्टेज यूज करेंगे। अगर आप हाई वोल्टेज पे कंट्रोल सिस्टम को यूज करेंगे तो आपको एक तो पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा, आपका सबसे मेन पॉइंट है जो कि सेफ्टी नहीं रहेगा, मतलब आप कोई स्टार्ट स्टॉप बटन में अगर आप जितना कम वोल्टेज पे ऑपरेट करवाएंगे आपके लिए उतना सेफ है, ठीक है, शॉक प्रूफ होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक स्टॉप पुश बटन चाहिए जो यहाँ पे हम लिया हूं, एक स्टार्ट पुश बटन एक स्टॉप पुश बटन, वन पंप और मोटर जिसका मैं रेटिंग लिया हूँ 415 वोल्ट, ये इंडस्ट्री बेस पे है, थ्री फेज, आप चाहे तो 230 में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका मैं एक दिया हूँ फुल लोड करंट FL 4 amps का वो मोटर है। तो उसके लिए हम जो कॉन्टैक्टर लेंगे वो क्या लेंगे, मोर देन फुल लोड करंट, ठीक है, क्योंकि आप कोई भी अगर आपका एबनॉर्मल कंडीशन पे ओवरलोड पे उस कॉन्टैक्टर को भी ब्रेक मेक करना है, उसका रेटिंग थोड़ा ज्यादा लेना है, अच्छा रहता है फॉर सेफ्टी पर्पस, आपका लाइफ ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी कॉन्ट्रेक्टर में कुछ आपका एक्स्ट्रा करंट कैरी करने के लिए डिजाइन भी होता ही है, पर आप थोड़ा ज्यादा लीजिए तो बेहतर है। नेक्स्ट हमको चाहिए वन फ्लोट स्विच और टू प्रॉक्सिमिटी स्विच, कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप वन फ्लोट स्विच लेंगे उसमें भी आपका दो कॉन्ट्रेक्टर रह सकता है, ऐसा फ्लोट स्विच लेना है जिसमें लो लेवल और हाई लेवल आपको शो करेगा, आप किसी टैंक में उसको इंस्टॉल कर देंगे तो मुझे दो फीडबैक वो देगा, एक हाई लेवल एक लो लेवल, ठीक है। अगर आप घर के लिए डिजाइन कर रहे हैं, अगर आप प्लांट के लिए डिजाइन करेंगे तो प्रॉक्सिमिटी स्विच यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि वाइडली यूज्ड है कोई भी छोटा मोटा इंडस्ट्रीज के लिए। ये प्रॉक्सिमिटी स्विच क्या होता है हम नेक्स्ट अभी आपको वीडियो में समझाएंगे वो कैसे काम करता है। नेक्स्ट मुझे चाहिए पावर सप्लाई के लिए एक MCB या MPCB, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। MCB आप क्लास C का यूज करेंगे अगर आपको मोटर प्रोटेक्शन के लिए यूज करना है, जबकि वो मोटर के लिए बना नहीं है, फिर भी वो क्या है इंस्टेंट करंट को भी विस्टैंड कर सकता है, ट्रिप नहीं करेगा, तो ये क्लास सी का लेना चाहिए अगर आप MCB यूज कर रहे हैं तो, या फिर आप अच्छा हो तो एक MPCB यूज कर सकते हैं जो अच्छा रहेगा मोटर प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर ही है, मोटर प्रोटेक्शन के लिए ही डिजाइन है, ठीक है। तो ये डिजाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना खर्चा करोगे। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, केबल्स चाहिए, इसको डिजाइन करने के लिए मुझे वायरिंग तो करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे पावर केबल के लिए चाहिए 1 mm स्क्वायर का कॉपर केबल, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं 1 mm स्क्वायर का कॉपर केबल। हम 1 mm स्क्वायर क्यों लिए हैं, क्योंकि एक थंब रूल है, अगर कॉपर केबल आप यूज कर रहे हैं तो जितना mm स्क्वायर है वो 4 times करंट को सेफली कैरी कर सकता है। और कंट्रोल केबल के लिए हम क्या लेंगे, 0.5 स्क्वायर mm, ठीक है, आप चाहे तो 0.25 mm स्क्वायर का भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका ज्यादा से ज्यादा 0.1 ampere, 0.2 ampere का करंट फ्लो करेगा, ठीक है, अगर आप 110 वोल्ट का कंट्रोल सप्लाई यूज करते हैं। और नेक्स्ट मुझे चाहिए वोल्टेज को मुझे डाउन करना है कंट्रोल सप्लाई के लिए, तो मुझे कंट्रोल ट्रांसफार्मर चाहिए जो जिसका रेटिंग होगा आपका 415 वोल्ट बाई 110 वोल्ट, 110 वोल्ट मेरा आउटपुट होना चाहिए कंट्रोल के लिए। तो ये पावर सर्किट क्या होता है, कंट्रोल सर्किट क्या होता है एक ऑटोमेशन डिजाइन में, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे, ठीक है। हमको पावर सर्किट को कंट्रोल करना है, मतलब एक पंप का जो पावर जा रहा है उसको हमको कंट्रोल करना है, उसको हम कंट्रोल करेंगे कंट्रोल सर्किट के जरिए। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मेन पावर सर्किट एंड कंट्रोल सर्किट, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल सर्किट में ह्यूमन एफर्ट रहेगा, आप एक बार स्टार्ट कर दोगे उसके बाद उसका लेवल सेंसर जो है वो लो वोल्टेज पे काम करेगा तो आपके लिए सेफ्टी ज्यादा रहेगा, तो हम कंट्रोल सप्लाई का वोल्टेज अलग करके एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है। तो अभी हम पावर फ्लो डिजाइन बनाए देखेंगे कैसे हम मोटर को पावर फ्लो करेंगे। तो ये मेरा इनपुट सप्लाई आ गया 415 वोल्ट, उसमें थ्री फेज देखिए आपका एक MPCB में पहले इनपुट आया, तो अभी MPCB इसमें ऑफ कंडीशन पे है, ये हम ऐसे डिजाइन किए कि आप MPCB को कंटिन्यूअस ऑन करके छोड़ देंगे
और इस कॉन्टैक्टर को हम ऑपरेट करेंगे। इस कॉन्टैक्टर को आप एक स्विच के तरह समझ सकते हैं, जो अभी तक कभी कॉन्टैक्टर नहीं देखे हैं उसके लिए है, क्योंकि मैं भी जब कॉलेज में था मुझे कॉन्टैक्टर क्या होता है पता नहीं है, क्योंकि किताब में आपका एमपीसीबी एमसीबी तो मिल जाएगा पर कॉन्टैक्टर का डिफाइन शायद ही कहीं पर रहता है, क्योंकि मैं नहीं पढ़ा था, हो सकता है आप पढ़े हो। तो एमपीसीबी को मैं पावर के लिए ऑल टाइम ऑन करके रखूंगा और कॉन्टैक्टर को मैं कंट्रोल करूंगा थ्रू कंट्रोल सर्किट। ठीक है, तो ये मेरा पावर सर्किट है, यहां मैं कंट्रोल का नहीं दिखा रहा हूं। तो यहां देखिए पहले आपका एमपीसीबी में आया, फिर ये स्विच और कॉन्टैक्टर में आया, फिर ये जो पावर आ गया मोटर पे। तो जब ये ऑन होगा कॉन्टैक्टर, ये तो मेरा कंटिन्यूअस ऑन है एमपीसीबी, कॉन्टैक्टर मेरा जब भी ऑन और ऑफ होगा तभी मोटर ऑन होगा और ऑफ होगा। तो हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे वो कंट्रोल सप्लाई में देखेंगे। और यहाँ पे मैं कंट्रोल सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर लिया हूँ, ठीक है, कंट्रोल ट्रांसफार्मर जिसमें मैं टू फेज लिया हूँ 415 वोल्ट के लिए, और आउटपुट मेरा दे रहा है 110 वोल्ट कंट्रोल सप्लाई। फिर इस कंट्रोल सप्लाई को यूज करके हम इस कॉन्टैक्टर को ऑन और ऑफ करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक डिजाइन था जिसको हमको इस सिस्टम में रन कराना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव टू स्टार्ट एंड स्टॉप द कॉन्टैक्टर के, दिस इज द कॉन्टैक्टर के थ्रू ए कंट्रोल सर्किट। एमपीसीबी विल बी ऑलवेज इन ऑन कंडीशन सो दैट द पंप स्टार्ट एंड स्टॉप एज पर द लेवल सेंसर वर्क। ठीक है, तो लेवल सेंसर ऑटोमेटिकली आपका जैसे काम करेगा उसके हिसाब से कॉन्टैक्टर ऑन और ऑफ होगा। ठीक है, ये ऑन और ऑफ करेंगे कैसे ये हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको कंट्रोल जो वायरिंग दिखाएंगे उसमें आपको दिखाते हैं। तो ये आ जाते हैं नेक्स्ट इस कॉन्टैक्टर का, जिनको पता नहीं उनके लिए एक बेसिक में कॉन्सेप्ट देने का ट्राई किया हूं कॉन्टैक्टर कैसे काम करता है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं या यूट्यूब में देख सकते हैं। तो व्हाट इज ए कॉन्टैक्टर, तो ये मेरा कॉन्टैक्टर कैसे काम करता है। तो कॉन्टैक्टर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस व्हिच ऑपरेट्स थ्रू ए रेटेड कॉयल सप्लाई टू कनेक्ट ए सर्किट लाइक ए स्विच। ठीक, तो इसका डेफिनेशन और बहुत बड़ा कुछ हो सकता था पर मैं एक छोटा कॉन्सेप्ट देने का ट्राई किया हूं, क्योंकि मैं एकदम बिगिनर्स जो फ्रेशर है उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो इट हैज मेन कॉन्टैक्ट पॉइंट, इट हैज मेन कॉन्टैक्ट पॉइंट, मेन कॉन्टैक्ट पॉइंट कौन सा है, ये जो मेरा फेज कॉन्टैक्ट, फेज को दोनों साइड का जो फेज है उसको जो कॉन्टैक्ट बनाएगा तो उसको हम मेन कॉन्टैक्ट बोलते हैं, क्योंकि वो पावर सर्किट को कॉन्टैक्ट बनाता है। ठीक है, व्हेन ए कंट्रोल और रेटेड वोल्टेज इज गिवन इट्स कॉइल इन अनदर टू पॉइंट ऑफ ए वन एंड ए टू इट्स आर्मेचर विल मेक द एनओ पॉइंट टू एनसी एंड एनसी पॉइंट टू एनओ। अगर ये आपका जो मेन कॉन्टैक्ट है, ठीक है, या फिर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो मैं नेक्स्ट में बताया हूं, जब भी आपका इसका कॉयल सप्लाई जो है उसमें आपका रेटेड वोल्टेज उसको मिल जाता है तो वो कॉयल क्या होता है मैग्नेटाइज होता है, उसका आर्मेचर को प्रेशराइज करता है ऊपर या नीचे धकेलता है। तो उसके हिसाब से जो कॉन्टैक्ट रहता है, जो एनओ पॉइंट है जो नॉर्मली ओपन कंडीशन में रहता है वो क्लोज हो जाता है और जो नॉर्मली क्लोज है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्टैक्टर ऑन और ऑफ होता है एक रेटेड कॉयल सप्लाई के थ्रू। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसका डिटेल्स वीडियो आपको फिर से बना के दिखाऊंगा कि कॉन्टैक्टर कैसे काम करता है और इसमें कॉयल क्या रहता है और इसका प्लंजर कैसे ऑपरेट होता है। ठीक है, तो आ जाते हैं नेक्स्ट में, तो हार्डवेयर और कंट्रोल डिजाइन। ठीक है, तो ये मेरा एक हार्डवेयर डिजाइन है। अगर आपका कॉन्टैक्टर लॉजिक बनाना है, आपके पास पीएलसी नहीं है, एक बेसिक सिस्टम है, तो आप इस वायरिंग को बना सकते हैं इस सिस्टम को रन कराने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यूज्ड हो रहा है। ठीक है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट क्या होता है, जो आपका मेन कॉन्टैक्ट छोड़ के भी कुछ कॉन्टैक्ट दिया हुआ रहता है जो आपका फीडबैक देता है उस कॉन्टैक्टर का, वो कॉन्टैक्टर ऑपरेट हुआ है कि नहीं या नहीं हुआ। ठीक है, तो उसमें एनओ और एनसी दोनों पॉइंट रहता है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में, जो मैं पिछला वीडियो में आपको, पिछला स्लाइड में आपको बताया। तो ये देख सकते हैं मैं कंट्रोल सप्लाई, जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर था उसका एक फेज और एक न्यूट्रल लिया हूं, जो 110 इनपुट आ रहा है कंट्रोल ट्रांसफार्मर से। ठीक, तो ये मेरा एक स्टार्ट पुश बटन है, स्टॉप पुश बटन से जो मैं आपका इक्विपमेंट लिस्ट में दिखाया था, और ये लेवल सेंसर का लो लो लेवल है और ये हाई हाई लेवल है। ठीक है, तो मैं बेसिक पहले समझता हूं, मेरे पास ये दो नहीं है, सोच लीजिए लेवल लो और लेवल हाई नहीं है, बस मुझे हाथ से स्टार्ट और स्टॉप करना है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से भी डिजाइन करूंगा ना कि मैं आपका सिस्टम को स्टॉप भी करके रखना चाहूं तो स्टॉप हो सकता है, आपको मतलब एमपीसीबी को ऑन ऑफ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है,
आप एक बार सीक्वेंस स्टार्ट कर दिए तो ऑटोमेटिकली चलते रहेगा। अब जब जरूरत पड़ेगा आपको कहीं घर से बाहर जाना है तो आप स्टॉप पुश बटन प्रेस कर दीजिए, वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये फेज ऑन न्यूट्रल से मैं एक स्टार्ट पुश बटन यूज किया। देखिए ये नॉर्मली एनो है, इसको आप जब भी प्रेस करते हैं इस प्लंजर को जब नीचे आएगा तब जाके ये कॉन्टेक्ट बनेगा और यहां से आपका करंट फ्लो के लिए सर्किट क्लोज हो जाएगा। तो यहां तक मेरा करंट आके रुका रहेगा। और स्टॉप पुश बटन क्या रहता है, स्टॉप पुश बटन तो मेरा ऑलरेडी ऑल टाइम एनसी में ही रहता है, अब जब प्रेस करते हैं तब वो नीचे आ जाएगा तो ये ओपन हो जाता है, तब ये आपका करंट आगे के लिए नहीं जा पाएगा। तो ये इसीलिए क्या है, अभी एनसी पॉइंट है तो ये नॉर्मली जाएगा, जब हमको स्टॉप करने का जरूरत पड़ेगा स्टॉप प्रेस कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ओपन हो जाएगा तो फिर आपका यहाँ पे कॉइल सप्लाई पहुंचेगा नहीं, और मेरा जो इंडस्ट्रियल जो पुश बटन्स रहते हैं स्टार्ट पुश बटन्स, उसमें एक बार प्रेस कर देने के बाद वो क्या होता है फिर रिलीज हो जाता है। तो स्टार्ट तो आपका यहाँ पे प्रेस हो जाता है, फिर अगर ये ऊपर आ जाता है तो क्या फिर ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक होल्डिंग कॉन्टैक्ट यूज करते हैं, इसको जब भी हम प्रेस करेंगे एक बार यहाँ पे कॉन्टैक्टर में पावर सप्लाई चला गया तो कॉइल पिकअप कर जाएगा, और कॉइल पिकअप कर जाएगा तो क्या होगा, इसका जो ऑक्सिलरी एनो पॉइंट रहेगा वो एनसी बन जाएगा, तो फिर ये आपका क्लोज हो जाएगा जब भी कॉन्टेक्टर पिकअप हो गया। तो आप ये रिलीज हो भी जाएगा तो करंट आपका इसके इस पैरेलल पाथ के जरिए आ जाएगा, तो ये होल्ड कर जाएगा सर्किट। ठीक है, ये आप जब हाथ से बनाएंगे कोई भी सिस्टम को तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि आपका होल्डिंग कॉन्टेक्ट है, ये आपका सर्किट को होल्ड करेगा अगर आप स्टार्ट पुश बटन को रिलीज भी कर दिए हैं। तो ये मेरा स्टार्ट और स्टॉप का कंडीशन हो गया। अभी नेक्स्ट है आपका, ये तो मेरा अगर आप स्टार्ट करके छोड़ दिए तो अगर ये दोनों नहीं रहेगा कंटिन्यू मोटर चलता रहेगा पंप भरता रहेगा, फिर मेरा जो लाइन में आ जाएगा वो है आपका, सोचिए आपका पंप लेवल जो है लो हो गया। ठीक है, लो हो जाएगा तो क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा, लो फीडबैक देगा तो क्या होगा, जो एनो पॉइंट रहेगा जो सेंसर है उसको वो एनसी बन जाएगा। तो ये आपका एनसी बन गया तो क्या होगा, यहां से आपका पावर फ्लो जाएगा, मतलब आपका करंट यहां से फ्लो होगा जब ये दोनों का प्रेजेंस रहेगा। मैं पहले सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट बता रहा था, अभी इसको भी सोच आप पकड़ के सोचिए। तो ये क्लोज हो जाएगा तब करंट यहां से आएगा और कॉन्ट्रेक्टर को पिकअप करेगा, तो ये कॉन्ट्रेक्टर ऑपरेट होगा पंप चलता रहेगा। अब सोचिए आपका पंप चल रहा है, ठीक है, फिर क्या है आपका हाई लेवल आ गया, पंप भर आपका टैंकर भर गया, तो ये एनसी था हाई लेवल, वो अगर सेंस करेगा कि लेवल हाई हो गया तो क्या होगा, जो एनसी था वो एनओ हो जाता है। ठीक है, कोई भी सेंसर अगर सेंस कर रहा है तो उसका जो कॉन्टैक्ट है वो चेंज हो जाएगा, तो वो एनसी वाला कॉन्टैक्ट को क्या कर देगा, एनओ कर देगा। तो ये अगर अगर आपका हाई लेवल का जो ये सर्किट में अगर एनओ बन गया तो क्या होगा, फिर ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये कॉन्टैक्टर छोड़ देगा। तो फिर आपका इस तरीके से पंप चलते ही रहेगा जब तक आप स्टॉप बटन पुश नहीं करेंगे, जब भी ये लो लेवल आएगा ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है, और जब भी ये हाई लेवल से हट जाएगा तो फिर से ये एनसी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सर्किट कंटिन्यू काम करते ही रहेगा, आपको और पावर ऑन ऑफ करने जाना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, ऑटोमेटिकली जब जरूरत पड़ेगा पंप चलते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यूज्ड फॉर होल्डिंग आफ्टर स्टार्ट पुश बटन रिलीज। ठीक है, अगर स्टार्ट बटन प्रेस करके छोड़ दिया तो ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट आपका काम करेगा। तो यहाँ देखिए मैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ये ऊपर में रहता है कॉन्टैक्टर का, तो ये दोनों को मैं पॉइंट किया हूं, तो यहां से हम इसको क्या करेंगे, इस जगह से एक वायर को टैप करेंगे, फिर यहां लेके जाएंगे इस कॉन्टेक्टर में, इस कॉन्टेक्ट में ऊपर में, और इसका नीचे से एक वायर निकाल के ले जाएंगे, वो आपका दो नंबर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो पॉइंट है ये एनो पॉइंट है, ये आपका ये दोनों पॉइंट है। ठीक है, जब भी कॉन्टेक्टर पिकअप होगा ये दोनों पॉइंट कंटिन्यूटी आ जाएगा, ये नॉर्मली ओपन रहेगा, जब कॉन्टेक्टर पिक करेगा ये दोनों क्लोज हो जाएगा, तो आपको ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट का फीडबैक मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप पीएलसी से डिजाइन करते हैं, जबकि ये सिस्टम बहुत ही छोटा है पीएलसी के लिए, इतना खर्चा करने का जरूरत नहीं है, लेकिन हम एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं कि आपको दिखाने के लिए कैसे काम करता है, तो इसी वजह से मैं पीएलसी में भी कैसे वायरिंग करते हैं वो भी आपको दिखा दे रहा हूं, कि आप बड़े सिस्टम डिजाइन करेंगे तो आपको छोटा सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें मेरा क्या है, सब जितना भी मेरा इनपुट्स एंड आउटपुट्स है उसको मुझे वायरिंग करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, देखिए मैं रेड लिया हूं, मतलब 110 वोल्ट पॉजिटिव, अगर आप डीसी ले रहे हैं तो या 24 या जो भी वोल्टेज लेंगे उसका पॉजिटिव को आप लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका पावर रहेगा इनपुट, यहाँ से आपका फेज को ले लिया हूं, फिर स्टार्ट पुश बटन मैं इसको कनेक्ट करूंगा, और उसका जो पॉजिटिव वायर का एंड टर्मिनल रहेगा वो आपका
डीआई कार्ड का जो I0.0 टर्मिनल है वहां जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपका पॉजिटिव सप्लाई और यहाँ से आपका कोई भी जो इनपुट सेंसर्स रहेगा या फिर पुश बटन्स रहेगा उसमें आएगा और वो जाके इनपुट में लग जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको न्यूट्रल कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये न्यूट्रल जो है कॉमन ग्राउंड किया हुआ रहेगा डीआईडीओ कार्ड्स में। ठीक है, तो ये सिर्फ फेज आपका जो स्विच से घूम के आएगा और इनपुट कार्ड में लग जाएगा और ग्राउंड थ्रू उसको न्यूट्रल थ्रू उसको ग्राउंड में मिल जाएगा, क्योंकि हम न्यूट्रल को ग्राउंड करके रखेंगे। ठीक है, आप चाहें तो न्यूट्रल को, इस न्यूट्रल को आप न्यूट्रल में भी कनेक्ट कर सकते हैं, कॉमन न्यूट्रल को यहां से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही I0.1 के लिए जो है आपका लो लेवल फीडबैक है वो उसको हम कनेक्ट करेंगे, सेम जैसे आपका है फेज को घुमा के लाएंगे लो लेवल सेंसर में ले जाएंगे और उसका एंड टर्मिनल को हम इनपुट कार्ड में लगाएंगे। तो ये चारों का ऐसे ही वायरिंग करेंगे और आउटपुट को क्या करेंगे, आउटपुट में मेरा पीएलसी खुद ही वोल्टेज देगा, आउटपुट जनरेट करेगा। तो जो डीओ जनरेट करता है, दिस इज डीआई डिजिटल इनपुट, जब डीओ जनरेट करेगा तो पीएलसी खुद आपको वोल्टेज देगा। ठीक है, जो कि मेरा डीआई कार्ड में पावर सप्लाई दिया हुआ रहता है तो उस पावर सप्लाई को आउटपुट देगा। ये डीओ देखिए Q0.0 में आपका कॉन्टेक्टर में कनेक्ट किया हूं, तो डीओ से जब भी जनरेट होगा आपका 110 वोल्ट एसी ये कॉन्टेक्टर में आ जाएगा। ये तो ऑलरेडी न्यूट्रल इसको मिल रहा है तो ये कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएगा जब भी डीओ जनरेट होगा। ठीक है, और इसका प्रोसेस जो रहेगा, लॉजिक जो होगा वो हम पीएलसी में प्रोग्राम करेंगे, तो वो कैसे करेंगे नेक्स्ट मैं दिखाता हूं आपको। तो मुझे पहले क्या है, सिंबल टेबल बनाना है, क्या क्या मेरे पास इनपुट से और आउटपुट से आपको कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए। तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, I0.0 स्टार्ट पुश बटन, 0.1 टैंक लेवल लो, तो ये सिंबल टेबल है। ठीक है, आप मेरा जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बेसिक पीएलसी के लिए बनाया था आप उसको अगर देखेंगे तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इनपुट का आउटपुट का सिंबल टेबल हम क्यों बनाते हैं और क्या जरूरत है उसका। तो हम लैडर लॉजिक पहले देख लेते हैं। पीएलसी में बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज होता है, लैडर जो बहुत ही वाइडली यूज है और ट्रेनिंग जो है उनके लिए सबसे इजीएस्ट होता है। ये छोड़ के भी आपका FBD, STL जो एक्सपर्ट है वो STL में ही नॉर्मली यूज करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम बहुत इजी माने स्टेटमेंट लिस्ट है, एक सी जैसे ही टाइप का प्रोग्राम है, तो वो जो एक्सपर्ट है उनके लिए बड़ा बड़ा प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत इजी होता है। तो हम पहले बेसिक सीखेंगे लैडर में कैसे बनाएंगे। तो ये सेम जो अब मैं हार्डवेयर में बनाया था, देखिए सेम मैं पीएलसी में बनाया, ये मेरा इनपुट्स कार्ड में तो आ ही गया था, तो मेरा इसका एड्रेसिंग मैं यहाँ बस कर दिया, एनओ को जैसे एनसी पॉइंट यूज किया हूँ। 0.0 क्या है आपका, स्टार्ट पुश बटन, तो स्टार्ट पुश बटन में ले लिया हूँ। उसके अगेंस्ट में मैं होल्डिंग ले लिया, तो होल्डिंग का मुझे यहाँ वायरिंग करने का जरूरत नहीं क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम बना रहा हूँ, इसमें जस्ट लिख दिया हूँ Q0.0 जब भी हाई रहेगा तो ये होल्डिंग हो जाएगा। 0.2 देखिए आपका स्टॉप पुश बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो आपका जब भी प्रेस करेंगे इसका डीआई कार्ड सेंस करेगा कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो गया, मतलब 110 वोल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये एनओ पॉइंट क्या हो जाएगा, एनसी पॉइंट एनओ हो जाएगा, तो ये डीओ हट जाएगा। इसी तरीके से 0.1 जो है आपका टैंक लो लेवल है, I0.3 जो है ये आपका टैंक लेवल हाई का है, और ये आपका Q0.0 है मोटर स्टार्ट कमांड जो कॉन्टेक्टर को पिकअप करवाएगा। ये डीओ अगर जनरेट होता है तो वो कॉन्टेक्टर पिकअप होगा। और नेक्स्ट यही प्रोग्राम को हम STL लैंग्वेज में भी आपको दिखाए हैं, तो आप जो बिगिनर्स हैं उनको जरूरत नहीं है अभी STL लैंग्वेज, मैं इसीलिए आपको दिखाया हूं क्योंकि ये बहुत वाइडली यूज्ड एक लैंग्वेज है, तो आप और ये बहुत इजी है छोटा छोटा प्रोग्राम के लिए। आप जब एनालॉग में प्रोग्राम बनाएंगे तो ये थोड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। ये छोटा प्रोग्राम है, तो यहाँ पे मैं देखिए एंड में लिया हूँ, ये दोनों में और है, पैरेलल है, तो एंड ब्रैकेट स्टार्ट और ये, मतलब अगर ये दोनों में से कोई भी आया और आपका स्टॉप पुश बटन नहीं आया, मतलब क्या है, ये आपका प्रेस नहीं है, एंड नॉट प्रेस नहीं हुआ, लो लेवल आपका अगर आ रहा है, ठीक है, और आपका हाई लेवल नहीं आ रहा है एंड नॉट, तो ही मोटर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लैंग्वेज है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझने के लिए अच्छा मिला होगा इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो मुझे आप मेरे मेल आईडी जो है इंजीनियरिंग विथ इंजीनियर्स में आप ईमेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसके आपको जो भी क्वेरीज रहेगा उसको मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो ये जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए, मेरा मेन जो फोकस है इस यूट्यूब चैनल का वो स्किल डेवलपमेंट के लिए है।
क्योंकि अभी तो जॉब्स का बहुत ही कमी हो गया है, मार्केट में जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो इसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा कुछ क्वालिफिकेशंस जरूर होना चाहिए कोई इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो आप अगर ये पीएलसी वगैरह आप कॉलेज में ही सीख लेते हो तो आपका करियर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी कंपटीशन का मार्केट है और अभी पीएलसी और ऑटोमेशन का बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगा पीएलसी सीखिए, आपको जो भी चीज़ में आपको अच्छा लगे आप उसी को सीखिए, जिसको भी आप अच्छे से सीखेंगे वही आपको करियर में मदद करेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक इट, थैंक यू, हैव ए गुड डे।